सो हे गाइस यार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। सो गाइस, अभी रिसेंटली यानी कि जेन 8 में जिगेंटा मैक्स फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया एंड ये लिटरली काफी ज्यादा कूल है। एंड इसी के साथ ऐस के काफी सारे पोकेमोन्स को जिगेंटा मैक्स फॉर्म मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐस के सारे ही पोकेमोन जो कि जिगेंटा मैक्स होने के केपेबल है उनको लेंगे एंड एक टीम बनाएंगे जो कि ऐस की बेस्ट जिगेंटा मैक्स टीम होगी। सो ऑफकोर्स वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दो, हमने इस लिस्ट में उन पोकेमोन्स को नहीं लिया जो कि जिगेंटा मैक्स नहीं हो सकते, जैसे कि ग्रीन निंजा, इन्फर्निप, सेप्टाइल एक्सेट्रा। एंड इस लिस्ट में हमने उन पोकेमोन्स को भी लिया है जो कि अभी इवॉल्व नहीं हुए बट इवॉल्व होकर वो जिगेंटा मैक्स हो सकते हैं। अब ये बताना जरूरी इसलिए था बिकॉज जब मैंने मेगा इवॉल्व पोकेमोन टीम पे बनाया था तो यार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि इन्फर्निप को नहीं लिया, ग्रीन निंजा को नहीं लिया। तो यार ऐसे पोकेमोन्स के पास अगर मेगा इवॉल्व है ही नहीं तो मैं कैसे ले सकता हूं। ये सारी बातों को साइड में रखते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पोकेमोन के साथ। तो यार हर एक पोकेमोन टीम के तरह हमारा इस टीम में भी सबसे पहला पोकेमोन जिगेंटा मैक्स पिकाचू ही होगा। सर एस के पिकाचू एस का सबसे पहला पोकेमोन है जिसके पास हमें जिगेंटा मैक्स फॉर्म दिखाया गया था एंड वो काफी पावरफुल था, जिसके साथ उसने लियोन के साथ बैटल भी की थी और साथ में एस के पिकाचू ने जिगेंटा मैक्स फॉर्म में जाने के बाद ड्रेडनो को भी हराया है। और एस के पिकाचू का जिगेंटा मैक्स फॉर्म बहुत ज्यादा यूनिक है बिकॉज 99% ऐसे पोकेमोन को जिगेंटा मैक्स दिया गया जिनके पास कोई एवोल्यूशन नहीं है या फिर वो फुली इवॉल्व है। और हमारा पिकाचू तो अभी मिडिल स्टेज में है बट फिर भी उसको जिगेंटा मैक्स फॉर्म दिया गया, तो यही बात एस के पिकाचू का अपने आप में स्पेशल बनाती है। और एक बार तो एस का जिगेंटा मैक्स पिकाचू लियोन से बैटल कर चुका है बट आगे भी हमें काफी सारी बैटल्स देखने को मिलने वाले उसके लियोन के जिगेंटा मैक्स चार्जर के साथ, जो कि हमें काफी सारे प्रीव्यूज में भी देखने को मिला है। और हां ऑफ कोर्स एस के पोकेमोन टीम में पिकाचू की जगह कोई ले ही नहीं सकता बिकॉज पिकाचू से ज्यादा स्ट्रांग पोकेमोन एस के पूरे पोकेमोन टीम में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि एस के पिकाचू ने काफी बार लेजेंडरी पोकेमोन को हराया, सूडो लेजेंडरीज को हराया एंड यहां तक कि मल्टीपल टाइम्स अपने इवॉल्व फॉर्म रायचू भी हराया है। तो हाँ ऑफ कोर्स एस का पिकाचू उसके पोकेमोन टीम में एक जगह तो डिजर्व करता ही है। तो अब बात कर लेते हैं आज के जिगेंटा मैक्स पोकेमोन टीम के सेकंड पोकेमोन के, तो वो होगा मेलमेटल। तो पोकेमोन के सन एंड मून सीरीज में एस ने एक मिथिकल पोकेमोन मेलमेटल को पकड़ा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था एंड उसने अलोला लीग में एस की काफी ज्यादा मदद भी की। एंड ये एस का इकलौता मिथिकल या लेजेंडरी पोकेमोन है क्योंकि एस ने अपने पूरे सफर के दौरान इसके अलावा कोई भी लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमोन को कैप्चर नहीं किया है। और इसी के साथ ही साथ मेलमेटल वो सबसे पहला ऐसा लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमोन था जिसको जिगेंटा मैक्स फॉर्म दिया गया था। अगर पोकेमोन कंपनी वालों ने इसको सबसे पहला जिगेंटा मैक्स फॉर्म दिया है तो जरूर से हमें आगे जाकर जिगेंटा मैक्स फॉर्म देखने को भी मिलने वाला है, या तो एश का होगा या फिर किसी और ट्रेनर का। इनफैक्ट एश का मेलमेटल पोकेमोन जर्नीस में पहले से ही एपिसोड 36 में रिटर्न आ चुका है बट उस एपिसोड में हमें उसकी एक बैटल भी नहीं देखने को मिली, तो उसका फॉर्म तो दूर की बात है। बट होपफुली आगे वो वापस से रिटर्न आएगा जैसे कि एश के सारे पोकेमोन रिटर्न आ रहे हैं एंड उसका हमें जी मैक्स फॉर्म भी देखने को मिलेगा। सो ऑफ कोर्स एश के जी मैक्स पोकेमोन टीम का सेकंड पोकेमोन होएगा जिगेंटा मैक्स मेलमेटल। अब वो थर्ड पोकेमोन जो कि एस के टीम में जगह बनाएगा वो है ब्लास्टोइज। हम सबको पता है कि एस के पास एक स्क्वाटल है जो कि उसने कैंटो रीजन में पकड़ा था एंड वो काफी ज्यादा पावरफुल है बट उसने उसको रिलीज कर दिया था जस्ट बिकॉज एस ने उसको लीव कर दिया था। मैंने एस के किसी भी पोकेमोन टीम में इसको नहीं इंक्लूड किया था बट यार इसका फैन बेस इतना ज्यादा है ना, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि यार ब्लास्टोइज को क्यों नहीं रखा, तो इसलिए मैंने इस बार ब्लास्टोइज को रखा है। तो ऑफकोर्स एस का स्क्वाटल भी ब्लास्टोइज में इवॉल्व हो सकता है एंड क्या पता वो अभी तक वॉल टोटल या फिर ब्लास्टोइज में इवॉल्व हो ही गया हो क्योंकि अभी काफी सारे साल बीत चुके हैं। एंड अगर वो वॉल टोटल या फिर ब्लास्टोइज में इवॉल्व हुआ तो ये काफी बड़ा सरप्राइज होगा एंड काफी ज्यादा मजा आ जाएगा पोकेमोन फैंस को, क्योंकि यार ऑफ कोर्स यार ब्लास्टोइज काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है अपने आप में एंड काफी ज्यादा पॉपुलर भी है एंड वो एश के जिगेंटा मैक्स पोकेमोन टीम में तो एक जगह डिजर्व करता ही है। सो बात कर लेते हैं एस के जिगेंटा मैक्स पोकेमोन टीम के फोर्थ पोकेमोन के, तो वो होगा विनोसॉर। अब इस टीम में जितना बड़ा रोल ब्लास्टोइज का रहने वाला है उतना ही रोल कुछ विनोसॉर का भी होगा। अब अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो यार एस का विनोसॉर ज्यादा स्ट्रांग होगा ब्लास्टोइज से बिकॉज अभी एस के पास जो बल्बासोर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसने अपने फर्स्ट फॉर्म में होते हुए भी काफी सारे स्ट्रांग पोकेमोन को हराया है। जिनमें से कुछ के नाम बताओ तो वो है वेनोनेट, साइथर, राइडोन एंड इवन मैगनियम। तो अब अगर एस का बल्बासोर अपने फर्स्ट स्टेज में होकर इतने सारे स्ट्रांग पोकेमोन को हरा सकता है तो इवॉल्व होने के बाद जी मैक्स होने के बाद इससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को हरा सकता है। वो अलग बात है कि एस का बल्बासोर इवॉल्व नहीं होना चाहता बट आगे जाके कुछ भी हो सकता है, पोकेमोन कंपनी वाले हमें सरप्राइज देते रहते हैं एंड वो उनके हाथ में कि वो लोग उनको इवॉल्व करना चाहे या ना करना चाहे। एंड अगर एस का बल्बासोर इवॉल्व होता है एंड वो जी मैक्स भी होता है एंड एस के पोकेमोन टीम में आता है तो एस का बेस्ट पोकेमोन भी बन सकता है, तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट में लिया है।
तो अब बात कर लेते हैं आज के जायगेंटामैक्स पोकेमॉन टीम के फिफ्थ पोकेमॉन के, तो वो होगा जायगेंटामैक्स गेंगार। तो अब ये बात तो 100% सौर है कि हमें गेंगार का जायगेंटामैक्स फॉर्म गलारीजन में देखने को मिलने वाला है, बिकॉज एस ने गलारीजन में उसको कैप्चर किया एंड उसको एक जायगेंटामैक्स फॉर्म भी मिला है। एंड इनफैक्ट अगर हम पिकाचू को छोड़ दे तो एस के गलारियन टीम में गेंगार एक लौता जायगेंटामैक्स पोकेमॉन है एस के टीम में। बट अभी तक तो हमें पोकेमॉन जर्नीस में इसका कोई भी जीमैक्स फॉर्म देखने को नहीं मिला, बट होपफुली हमें आगे जाकर इसका जीमैक्स फॉर्म देखने को मिलेगा, जो क्या लिटरली काफी ज्यादा कूल है। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इसका जीमैक्स फॉर्म देखने के लिए, बिकॉज सर आप खुद ही देख सकते हो इसका जीमैक्स फॉर्म कितना ज्यादा कूल है। वैसे एस का गेंगार उतना पावरफुल तो है नहीं, बट जीमैक्स होने के बाद उसका देखने लायक रहेगा कि उसकी पावर कितनी है। एंड क्योंकि एस का गेंगार उसके गलारियन टीम में भी हो, तो ऑफ कोर्स वो भी एस के जीमैक्स पोकेमॉन टीम में एक जगह डिजर्व करता है। तो अब बारी आती है एस के जायगेंटामैक्स पोकेमॉन टीम के लास्ट पोकेमॉन के, जो कि यार सामने वाले अपोनेंट को अच्छा खासा फिनिश दे पाए, मतलब कि 2-3 पोकेमॉन को तो आराम से हरा ही पाए। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एस का ऐसा कौन सा पोकेमॉन है, तो यार आप लोग एक ही नाम लोगे जो कि है चार्जार्ड। एंड चार्जार्ड हो भी क्यों ना, चार्जार्ड ने एस को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, चाहे वो चार्मेंडर के रूप में हो चाहे वो चार्जार्ड के रूप में। भले वो शुरू में बात नहीं मानता था, बट आगे जाके उसने एस को काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। एस के चार्जार्ड ने अपने पूरे जर्नी में काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को हराया एंड अपनी पावर प्रूफ किया, जिनमें से कुछ पोकेमॉन्स का नाम बताओ तो वो है होइन रीजन में लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को भी उसने हराया है, एंड यूनोवा रीजन में उसने ड्रैगनाइट के साथ तो एक खिलौने का था लिटरली खेला था। एंड हम एस वर्सेस गैरी की जोटो रीजन वाली बैटल कैसे भूल सकते हैं, वहां पे तो एस के चार्जार्ड ने लिटरली गैरी के 3 पोकेमॉन्स को हरा दिया था, जो कि थेसिस और गोलम एंड इवन ब्लास्टोइज। एंड अगर एस का चार्जार्ड जायगेंटामैक्स हो जाए तो वो सामने वाले अपोनेंट के 2-3 पोकेमॉन्स को तो काफी इजीली डिफीट कर सकता है, अगर वो अच्छे खासे लेवल पे अच्छी खासी पावर रखते हो। वेल अब एस का चार्जार्ड का रिटर्न भी कंफर्म हो चुका है, हमें अभी आए स्पेशल प्रीव्यू में पता चला था कि एस चार्जार्ड भी रिटर्न आने वाला है, तो होपफुली हमें उसका भी जीमैक्स फॉर्म देखने को मिलेगा। सो ऑफ कोर्स सर एस का चार्जार्ड भी एस के जायगेंटामैक्स पोकेमॉन टीम में एक जगह डिजर्व करता है। सो गाइस यही थी मेरे हिसाब की एस के जायगेंटामैक्स पोकेमॉन टीम। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के हिसाब से एस की जायगेंटामैक्स पोकेमॉन टीम क्या हो सकती है। एंड मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मैंने इस लिस्ट में उन पोकेमॉन्स को इंक्लूड नहीं किया जो कि जायगेंटामैक्स नहीं हो सकते, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी भी एक टीम कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। तो वेल गाइस आज के इस वीडियो में इतना था, वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड होपफुली यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड थोड़े बहुत टॉपिक्स भी कमेंट कर दो अगर आपके पास थोड़ी यूनिक टॉपिक्स है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, 50K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। तो मिलेंगे ऐसे सम कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।